an equiconvex lens is cut into the two halves along the पहला ये x dash o x इस एक्सिस में कट करना है एंड दूसरा y o y dash इसमें कट करना है ना as shown in the figure the focal length कितना consider किया f f dash f double dash be the focal length of the complete lens of each half first and each half second respectively choose the correct statement of the following इसमें हमको कट करने के बाद बताना कह रहा ये कट करने से पहले ये छोटा कर लो तो ज्यादा सही रहेगा यहीं पे सॉल्व मेरी बात समझे कि नहीं ये जो लेंस है हमारा कट करने से पहले जो है इसका फोकल लेंथ f और मैंने बताया था कि जब भी इसको कट करेंगे आप और ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का इक्वल है तो f की वैल्यू मैंने बताया था r अपॉन 2 n माइनस 1 रख करो भैया याद इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है तो ध्यान रखना 3/2 लेते हैं हम लोग 1.5 इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा 2 से 2 कट गया तो r आ गया यानी f की वैल्यू जो आ रही है वो r आ रहा है इसी से तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं बेसिक तरीके से कैसे अगर आप लेंस को इस तरीके से कट करते हो तो ये इस तरीके से कट करेंगे तो यहाँ से जो लाइट रे आती है ये कहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी अभी यहाँ पर जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है मेरी बात समझे तो ये इंटरसेक्ट कहाँ करती है फोकस पे इसका फोकल लेंथ हो गया यहाँ भी अभी भी वही इंटर बस इसमें फर्क क्या है पीछे एक क्वेश्चन आप ये हो देखो ध्यान से यहाँ पर कहाँ गया जी यहाँ पर ये आधा ढक जा रहा था तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी बात समझे कि नहीं तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर रहेगा फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो यानी f डैश की वैल्यू में कोई टेंशन नहीं इसको f डैश माना था तो f डैश की वैल्यू f है लेकिन कह रहा जब इसको ऐसे काट देंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे काट देंगे तो एक का पूछ रहा है हाफ का मेरी बात समझे अच्छा ये एक कट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसका फॉर्मूला मैंने बताया था यूज करने के लिए r अपॉन n माइनस 1 या म्यू माइनस 1 जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी r इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा ये 3/2 माइनस 1 तो हाफ होगा हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2r हो जाएगा इस r को ही तो हम इसे f डबल डैश मानेंगे क्या माना हो r के जगह f लिख सकते हैं तो ये 2f हो जाएगा यानी f डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2f तो मैं तो बहुत सारे बच्चों को एडवाइस करता हूँ एग्जाम के अंदर जाने से पहले एक चीज याद रखें जब भी इस बीच से इस तरीके से कट करेगा तो इसका जो फोकल लेंथ हमारा आने वाला है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम टू सेम आएगा जो पहले होगा लेकिन जब इस तरीके से कट करेंगे आप तो इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा मेरी बात समझे कि नहीं तो ये चीज ध्यान रखें तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी ढूंढो एफ डबल डैश डबल हो गया है ना देखो और ये ए ऑप्शन करेक्ट है ये जो है 35 का ए ऑप्शन